चल मेरे बच्चा, tan क्यूब 2x sec 2x कैसे करूं मेरे बच्चा, कोई बता सकता है कैसे करूं? मेरे दिमाग में आया, अगर टैन ले लू कुछ बनेगा? सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, और टैन का डेरिवेटिव sec square, तो काम ही नहीं बन रहा, क्या करूं? लगाओ लगाओ दिमाग, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसमें सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टैन क्यूब बोलो क्या हो सकता है? यस बच्चा, कैसे सेपरेट कर दो? मैं कहा लगाओ दिमाग, लगाया ना इसे tan square 2x, शाबाश। आगे ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा कैसे हो सकता है? और लगाओ दिमाग, कोई भी नहीं, किसी का भी नहीं चल रहा, किसी का? एक बार बताओ, अगर आप देखो ये मल्टीप्लाई में इनको एक साथ रख दूं, tan square 2x, tan 2x, sec 2x, सर ये किसी का होता है? किसका? sec का, ये पहचान आ गई। पर यहां पे sec नहीं है, sec होता तो काम बनता। यस, क्या करूंगा? tan square को कन्वर्ट करूंगा, कैसे? 1 माइनस sec square 2x, tan 2x sec 2x, कुछ बात समझ आई? अब लेट कर सकता है इसे क्या? लेट sec 2x is equals to t, क्या होता है sec का? sec 2x tan 2x dt, और क्या आएगा इससे पहले? 2, चेन रूल, sec का sec x tan x, 2x का 2, लगा दो 1 माइनस sec, कैसे आया बोलो? एक मिनट, थैंक यू बेटा, मैंने यहाँ पे आपने बोल दिया तो मेरा ध्यान चला गया कि यहाँ उल्टा लिख दिया sec square 2x minus 1। अब आगे बताओ क्या होता, यही पॉइंट था कि मैंने sec square क्यों लिख दिया गलती से? थैंक यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? t square minus 1, राइट, और ये क्या हो जाएगा? dt by 2, बोलो यहाँ तक क्लियर? किसी को कंफ्यूजन जरा सी भी कि dt by 2 कैसे आया? ये 2 यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट भेज दिया, मैंने एक लाइन नहीं लिखी। अब 1 by 2 बाहर कर, तो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, t square minus 1 का क्या होता है? t cube by 3 minus t, t की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा? sec cube 2x by 3 minus sec 2x plus c, was it tough? last question 16, बस उसके बाद लिखने का टाइम दे दूंगा मैं आपको। ये लास्ट क्वेश्चन देखो कराना होगा, tan की पावर 4 x dx, ये कैसे होगा बेटा? tan की पावर 4 का कोई बताना चाहेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, किसी का सिर्फ 2 मिनट का लगाना है, बोलो बोलो। एकाग्र, ओपन फॉर ऑल, कुछ तो बोलो, कुछ तो ट्राई करो, गलती तो बोलोगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बच्चे ने सही कहा, tan की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? tan square x into tan square x, यस और नो? क्लियर है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन क्या? बिल्कुल सही कहा, नेक्स्ट पॉइंट भी अब देखो, अब आने शुरू हो गए ना आंसर। tan square को क्या कर दूंगा? एक को sec में, sec square x minus 1, और दिमाग लगाओ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बच्चे का। tan square x को t ले लेंगे, मैं कल लेके देखो बच्चे का, इसको t, अब लगाओ दिमाग, काफी तक पास पहुंचने लगे हो। लेट करा tan x को t, tan square बोलो, tan x बोला है, tan x को t बोला बच्चे ने, ओके फिर क्या हो जाएगा?
स्क्वायर एक्स बच्चन का हो गया है ना, कहाँ से हुआ बेटा ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आप ही की बात पे आऊंगा, ये क्या हो गया टी स्क्वायर डी एक्स बेटा, एक एक मिनट एक मिनट मेरे को ये बताओ सेक्स स्क्वायर एक्स कहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि डी एक्स और सेक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए, कहाँ है एक मिनट बच्चे ने एक और पॉइंट बोला कि अगर दोनों तरफ से माइनस वन कर दे, मैं कर लो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू डी टी माइनस वन, लो फायदा क्या हुआ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक बात बोलूं सबके सब सिर्फ एक स्टेप क्यों से चूक रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप, वो क्या है वो बताने जा रहा हूं, यहां तक पहुंच गए थे ना tan x को t लेट करने वाले, प्रॉब्लम क्या आई थी मेरे को sec square x मल्टीप्लाई में नहीं था, मैं से ओपन ना कर दूं ऐसे करके sec square x इसे ओपन कर देते ना tan square x माइनस tan square x dx राइट, tan square क्या इंटीग्रेशन होता है मेरे पास, कैसे नहीं होता बट कैसे निकालते हैं tan square का इंटीग्रेशन, किसी को याद है sec square x माइनस वन, बिल्कुल ठीक बोला dx, अब इसे ओपन कर सकता हूँ मैं, सेपरेट कर देता हूँ, एक ये बन गया sec square x tan square x dx, एक ऐसे कर लो माइनस sec square x dx प्लस dx, बोलो यस और नो, यस और नो, dx का इंटीग्रेशन है मेरे पास है, इसका है sec square का, इसका है मेरा बच्चा, इसको इसको कैसे कर सकता हूँ, देखो लेट से आई वन बोल लेता हूँ इसको आई वन, ठीक है क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई वन, इसको बोल लेते आई टू और इसको आई थ्री, आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री, सेक्स स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स राइट, अब यहां लेट कर सकता हूं देखो yes, अब अगर मैं इसे लेट कर लू यहां लेट कर लू क्या tan x को t, तो tan x का x square x dx is equals to dt, i1 क्या हो गया बेटा चेक करो t square dt क्या हो जाएगा t cube by 3 plus c 1 t cube tan cube x by 3 plus c1 डाल दो इधर वैल्यू, फाइनली i क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट ले जाओ, इसका मैंने बना लिया क्या tan cube x by 3 sec square x का ये लो tan x राइट, और dx का 1 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x plus c where c is equals to c1 plus let's say इनका ले लेते c2 plus c3, खत्म कहानी बेटा, was it tough yes tech के पास ओके, अगर आप इसे कर दो तो आपको बट सॉल्व नहीं हो सकता उस तरह इजली, क्योंकि आपको देखो ना एक टर्म टैन में चाहिए कि उसमें, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा, मैं ओरली बोलूं जो कह रहे हो ना उसे ट्राई करना, होमवर्क टाइम, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ पहले और उसके बाद नोट करने का टाइम देता हूँ, तो होमवर्क में आपकी एक्सरसाइज 7.3 सीधा बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक, 20 21 23 24 ये सारे आपकी कंप्लीट है, सिर्फ आपके एक ही क्वेश्चन रह गया है 19 दो रह गए दो तीन 19 22, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, अब इसे कर लीजिए नोट।